यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। इसी को लेकर महू शहर में भी लोगों में काफी आक्रोश है। उसे लेकर आज ड्रीमलैंड चौराहे पर कांग्रेसी नेता अमित अग्रवाल के नेतृत्व में युवती को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं महिलाओं द्वारा प्रशासन से मांग की गई कि आरोपियों को बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए, फांसी से भी बड़ी सजा होगी। साथ ही महिलाओं द्वारा ये भी कहा गया कि यदि इससे बड़ी कोई सजा होती तो वो भी दी जाए। साथ ही धान मंडी चौराहा पर वाल्मीकि समाज ने भी कैंडल लाइट जलाकर युवती को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लड़की थी मनीषा नाम की, उसकी जो हत्या हो चुकी है, जो मर गई है बलात्कार केस में, मोदी सरकार से और योगी सरकार से हमारी केवल एक ही निवेदन है कि वो जो अपराधी हैं उनको बीच सड़क पे गोली मार दी जाए। फांसी की भी जरूरत नहीं, बीच सड़क पे लाओ और गोली मार दो। लोग देखें और समझें कि ये काम करने के बाद बीच सड़क पे गोली मारेंगे, और कानून भी ऐसे ही होना चाहिए। नहीं तो सरकार हटाओ ना, सरकार किस लिए? फिर सरकार की जरूरत ही नहीं, हटा दो इस सरकार को। क्या जरूरत है इस सरकार की? कोई जरूरत नहीं। गरिमा चौरसिया की है मनीषा वाल्मीकि जी, इनके साथ जो उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस में जो दुष्कर्म हुआ है उसके विरोध में हमने ये कैंडल जलाई है। ये जो कैंडल है इसलिए जलाई गई है कि ये जो इनको न्याय मिले, और उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र उन दुष्कर्मियों को सजा मिले और देश के लिए एक उन्नति के लिए एक शिखर बने। शिखा अग्रवाल, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष। KNN न्यूज़ के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।